हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ टॉपिक नरम पंथियों के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेट्स। ठीक है, तो प्रमुख उदारवादी नेता, तो उसमें अगर हम देखें तो कौन कौन लीडर्स थे जो मॉडरेट्स पार्टी के थे। तो पहले तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और वह ब्रिटेन में हाउस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। और ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 3 बार। वह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक लेखक के ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी का ध्यान केंद्रित किया, इस मामले में जांच हुई। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, और इसी में ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी था वो दिया गया था। देन सेकेंड लीडर थे उमेश चंद्र बैनर्जी, INC के पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। जब हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ 1885 में बॉम्बे में, कहाँ पर हुआ था? तेजपाल गोकुल गोकुल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था 1885 में, दिसंबर 1885। तो पहले प्रेसिडेंट बने थे उमेश चंद्र बैनर्जी, फर्स्ट सेशन में उन्होंने ही प्रेसाइड किया था। पेशे से वकील थे, स्थायी वकील के रूप में कार्य करने वाले पहले भारतीय थे। के बाद आते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो द हिंदू अखबार की स्थापना की, जहां उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना की। द हिंदू न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट की? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। तमिल समाचार पत्र स्वदेश मित्रन की भी स्थापना की थी, तमिल समाचार स्वदेश मित्रन, मद्रास महाजन सभा की सह स्थापना की। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में माना जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सब छोटे छोटे जो वर्ड्स रहते हैं हमें याद रखना रहता है दिमाग में, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि MCQ में पूछ देते हैं, ठीक है। वो देखिए क्या पूछेंगे वो तो किसी को नहीं पता है, बट हाँ अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब हो सकता है पूछ ले। तो आप दिमाग में थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा किसके बारे में, द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में, जैसे हो गया पहला अध्यक्ष कौन था INC का, उमेश चंद्र बैनर्जी थे। फिर दादा भाई नौरोजी कितने बार प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था INC का, तो 3 बार किया गया था। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किस कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये सब कुछ कुछ याद रखना है थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है सर सुरेंद्र बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इन्हें राष्ट्रगुरु और इंडियन बर्क की भी कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रगुरु और इंडियन बर्क याद रखना है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके बाद में कांग्रेस का विलय हो गया। भारतीय सिविल सेवा को मंजूरी दी, लेकिन नस्लीय भेदभाव के कारण छुट्टी दे दी गई। उसके बाद समाचार पत्र द बंगाली की स्थापना की, द बंगाली की स्थापना की, और राष्ट्रगुरु और इंडियन बर्क, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अन्य नरमपंथी नेताओं में रास बिहारी घोष, R.C. दत्त, MG रनाडे, फिरोज शाह मेहता, P.R. नायडू, मदन मोहन मालवीय, P. आनंद चार्लू और विलियम वेटरबर्न शामिल थे। देखिए इसमें अगर हो सके तो MCQ में क्या पूछ लेगा कि चार का नाम आपको दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन से नरमपंथी नहीं थे या नरमपंथी थे दल के थे, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो नाम कुछ कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय हो गया, फिर फिरोज शाह मेहता हो गए, फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब दादा भाई नौरोजी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो पूछेगा। ऐसे आलतू फालतू थोड़ा छोटा जो ज़्यादा वर्क नहीं किया उनका नाम नहीं पूछेगा, तो आप याद रखना। अब चलिए आगे देखते हैं किनके क्या क्या और आगे क्या 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 किया मॉडरेट्स ने नरमपंथी। इसके बाद आता है नरमपंथियों के उद्देश्य और मांगे क्या क्या थी। जनता की शिक्षा और जनमत को संगठित करना, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना था कि क्या क्या उनके अधिकार है, राइट्स क्या क्या है, वो इनकी पहली उद्देश्य और मांग थी। लंदन में कार्यकारी परिषद और भारतीय परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व था। विधान परिषदों का सुधार, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, भू राजस्व कर में कमी और किसान उत्पीड़न को समाप्त करना। 1892 के बाद प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा दिया। सेना पर खर्च कम किया, चीनी पर नमक कर और शुल्क समाप्त करना। अधिक भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर देने के लिए इंग्लैंड के साथ भारत में ICS परीक्षा आयोजित करना। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आधुनिक पूंजीवाद उद्योगों का विकास, अंग्रेजों द्वारा भारत की आर्थिक निकासी का अंत, 1878 के शस्त्र अधिनियम को निरस्त करना। 1878 में आर्म्स एक्ट आया था, वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट शायद उसका नाम था, शस्त्र अधिनियम, तो ये निरस्त करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था? 1878 में, याद रखिएगा। भारतीयों की शिक्षा पर खर्च बढ़ाना, तो ये सब कुछ इनका ऑब्जेक्टिव था, जो मांगे थी, डिमांड थी इनकी।
इसके बाद आता है नरम पंथियों के तरीके। देखिए नरम पंथी जैसे कि नाम से दिखता है मतलब ये नरम लोग थे, ज्यादा गुस्से भड़कीले वाले लोग नहीं थे। तो वे उन लोगों उन मांगों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से विश्वास रखते थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाना है, उसके साथ जाना है और सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में रहकर हमें अपने अपने जो डिमांड्स वो पूरे करना है। उनका ये कहना था, मानना था उनका ऐसा कि ब्रिटिश जो है वो अनफेयर मतलब पार्शियल होना नहीं चाहते, लेकिन वो क्या है कि वो यहाँ के कंडीशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक पब्लिक ओपिनियन बनाना है कि लोगों को एकजुट करना है और उनकी आवाज़ ताकि ब्रिटिश सरकार तक पहुँचे और क्या करे वो उन लोगों के लिए रिफॉर्म लाए काम करे। तो वो प्रेयर एंड पेटिशन पर विश्वास रखते थे और इसके चलते क्या हुआ कि उनका जो बोल सकते हैं प्रोग्रेस था वो बहुत धीरे था, जिसके चलते क्या हुआ एक्सट्रीमिस्ट, हम लोग जो आगे इसके बाद पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट का उदय हुआ। तो याचिकाओं, बैठकों, संकल्पों, पैम्पलेटों, ज्ञापनों और निधि प्रतिनिधि मंडलों में अपनी मांगों को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी विधि को 3P, प्रार्थना, याचिका एंड विरोध कहा गया। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास था, शिक्षित वर्ग तक ही सीमित है, जनता को रोजगार देने का प्रयास नहीं किया। उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश प्रभुत्व के तहत राजनीतिक अधिकार और स्वशासन प्राप्त करना था। और हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला, इसमें शिक्षित वर्ग ही थे। और अगर हम देखें पीजेंस या कॉमन पीपल तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं दिखा और मेनली हम कह सकते हैं इसी के चलते ज़्यादातर हम देखें तो ये थोड़ा कम इसमें प्रोग्रेस आया था, इनके टाइम में इंडिया ने कम प्रोग्रेस किया। मतलब नेशनलिज्म तो फैला था ही था लेकिन प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट होना था वो कम हुआ हमारे आज़ादी को लेकर। इसके बाद आते हैं नरम पंथियों की सफलताएं क्या क्या थी। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कांग्रेस की पहली उपलब्धि थी, ठीक है। 1892 में आया था भारतीय परिषद अधिनियम, याद रखिएगा। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की और उन्हें गैर सरकारी सदस्यों के अनुपात में भी वृद्धि की। वे लोगों में राष्ट्रवाद के बीच बोलने में सक्षम थे। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अंग्रेजों की नई नीरस आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया। गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई 1866 को जन्मे और M.G. रनाडे जैसे नेता भी समाज सुधारक थे और उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवापन थोप दिया। देखिए आप लोग जब एमसीक्यू बोलते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग जब वीडियोस मेरे पढ़ते हैं तो उसमें जब जो जो मैं कहती हूँ कि ये आ सकता है एग्जाम में उस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आप जब वीडियो देखें तो कृपा करके मैं जो कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसे एक बार कहीं नोट डाउन कर ले या फिर जब PDF पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करके रख ले, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप जो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और एग्ज़ाम में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सो उसको इग्नोर ना करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नरम पंथियों की सीमाएं क्या क्या थी, लिमिटेशन क्या क्या था। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में जनता को बाहर रखा गया और केवल शिक्षित अभिजात वर्ग ने ही इसमें भाग लिया। उन्होंने विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की। गांधी के विपरीत जिन्होंने इस शक्ति का उपयोग किया वे लोगों के जन आंदोलन की शक्ति को नहीं समझते थे। अपने अधिकांश विचारों को पश्चिमी राजनीतिक सोच से आकर्षित किया जिसने उन्हें लोगों से अलग कर दिया। ये कुछ लिमिटेशंस था जिसके चलते उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, अभी भी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम है। और वीडियो को चैनल को भी शेयर करो, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो। और PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो थैंक यू।